सुनने में आता है हर दो दिनों में कि फिर किसी मजनू ने उसको चुना है। लैला सी दिखती जो कोयल सी गाती, बस उसकी कहानी को हर दिन बुना है। दर्जों में कह दूं कि मजनू से मिलने को अब ना ये दिल है तड़पता तरसता। जो मैं कहूं कि वो लैला भी अब से चुनने को है कोई दूजा ही रास्ता। दर्जों में दिखला दूं आज इस जहां को कि तुमको पाने की ख्वाहिश नहीं है, तो क्या यकीन कर सकोगे कि मेरी मोहब्बत है ये कोई खारिश नहीं है। जाने वो कैसे ही आशिक थे जो यूं किसी शख्स को करना चाहते थे हासिल, उस शख्स में ही तबाह हो गए और बस हो गए एक कहानी में दाखिल। ऐसी मोहब्बत है जिसको इजाजत है ना आने जाने की बस फड़फड़ाने की, ऐसी मोहब्बत मिले भी तो क्या है जिसे एक आदत है दोहराते जाने की। उसी गली पर जो आंखें टिकाए, चौखट से बंदी हो वादे निभाए, क्या हो अगर आज मजनू से गाफिल लैला को कोई परिंदा रिझाए। वो उड़ चला है जो आजाद पंछी, करता मोहब्बत गली से मगर उसी गली से वो दूरी बढ़ाए, एक फासले से वो तख्ता डगर। सोचो कि अगर जो हमारी ये लैला पंछी के संग उड़ना चाहे तो क्या हो, जिस भी गली में हो मजनू की बातें ना उसका अगर मुड़ना चाहे तो क्या हो। मुझको तो लगता है कुछ यूं दिखेगा नजारा के आजाद मुस्कान होगी, ना ऐसी होगी किसी की कहानी ना सुनने वालों की घमसान होगी। काहे के लैला का मजनू के बिन यूं हंस हंस के जीना गवारा नहीं, आजाद हो जो मोहब्बत के माने तो महबूब दुनिया को प्यारा नहीं। बस इसलिए लिख रहे हैं कवि भी वही कहानी है उसी तरह की, लैला का मजनू है मजनू की लैला, फिर मौत आनी है उसी तरह की। थैंक यू।